हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक यहाँ पर फिजिक्स का, जिसमें हम लोग देखेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, और साथ ही हम लोग कुछ एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के अंदर। तो चलिए देखते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है। देखिए नाम से जैसा कि क्लियर है, यहाँ पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसका मतलब क्या है कि ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लेंस को डिजाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम लोगों को कोई नंबर देता है, डॉक्टर हमको एक ग्लास का अगर नंबर देता है, पावर हमको बताता है, तो हम जाकर उसको कहां, शॉप वाले को बताते हैं, और वो उस पावर के अकॉर्डिंग, उस नंबर के अकॉर्डिंग हमको क्या देता है, एक लेंस बनाकर देता है। तो किसका यूज करता है इस लेंस मेकर्स फॉर्मूले का, तो चलिए देखते हैं। यहां पर मेरे पास एक लेंस है। लेंस मतलब क्या, जिसके दो रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेस हो। तो यहां पर देखिए दो रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेस है, एक्स पी वन वाई, एक्स पी टू वाई। कौन सा लेंस है ये, फटाफट, कॉन्वेक्स पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो ये हमारे पास लेंस है। अब देखिए ये जो है सरफेस, फर्स्ट और सेकंड दो सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला सरफेस ये, सेकंड ये। फर्स्ट सरफेस वो होगा जहां पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, जहां पर रे आकर इंसिडेंट करेगी। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा फर्स्ट सरफेस है। तो इसका जो सेंटर होगा वो कहां आएगा, देखो इसका अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट करता हूं तो इधर बनेगा, तो इसका सेंटर कहां आएगा, यहां पर। तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर क्या हो गया, सी वन। सेकेंड सर्फेस को अगर हम कंप्लीट करें तो इसका सेंटर किस तरफ आने वाला है, इस डायरेक्शन में आने वाला है, जो कि हमारा सी टू। म्यू एम जो है आपका वो क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में हमने इस लेंस को रखा है, और म्यू एन क्या है आपका, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ठीक है, तो म्यू जो होगा वो क्या होगा आपका, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। मतलब जहां भी मैं फॉर्मुले में यूज करूंगा म्यू, वहां पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक, चलिए देखते हैं फटाफट से डेरिवेशन पे आ जाते हैं हम लोग इसके। तो ये हम लोगों का यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। इस डेरिवेशन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर करने वाले हैं। ये डेरिवेशन थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, बट जो तरीका मैं बताऊंगा ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुछ अजम्पशंस हम लोग यहां पर लेते हैं जब इस डेरिवेशन को करते हैं। पहला अजम्पशन हम लोग ये लेते हैं कि हमारा जो लेंस है वो क्या है, काफी थिन है। ठीक है, बहुत पतला सा लेंस है, मतलब एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो उसके बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर लेंस होगा। सेकेंड असम्पशन हम लोग क्या लेंगे कि आपका जो अपर्चर का साइज है वो स्मॉल है, और साथ ही जो यहाँ पर एंगल बनने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे चली, ठीक है, इस सर्फेस के ऊपर इंसिडेंट हुई। अब देखिए ऑब्जेक्ट से जो रे आपकी जा रही है वो कहां से कहां एंटर कर रही है, फटाफट बताओ, कौन से मीडियम से किसमें जा रही है। बाहर वाला जो मीडियम है वो क्या आपका रेरर मीडियम है, और लाइट रे कहां से कहां एंटर कर रही है, रेरर टू डेंसर। यहां पर देखिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, सीवन से फर्स्ट सरफेस है, तो इसका नॉर्मल कहां पर होगा, सीवन पे होगा। तो अब ये जो लाइट रे है, ठीक है, हमको पता है कि लाइट रे को जाना कैसा चाहिए था, अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधी चले जाती, पर चूंकि यहां मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट रे हमारी एंटर कर रही है एक रेरर मीडियम से डेंसर में। तो जब भी लाइट रे रेरर टू डेंसर एंटर करती तो वो क्या हो जाती, टूवर्ड्स दी नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल की तरफ लाइट रे क्या होगी, शिफ्ट। अभी नॉर्मल कौन सा, ये तो ये जाना ऐसा चाहिए था, ये शिफ्ट होकर किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो ये जो लाइट रे है वो क्या हो गई, यहां पर शिफ्ट होकर इस तरफ हो गई। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये सेकंड सरफेस नहीं है। सेकंड सरफेस अगर नहीं होगा तो ये जो लाइट रे है वो क्या होगी, सीधी चले जाएगी और इस पॉइंट पर कहीं पर मिलेगी, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं यहां पर आई डैश। और एक रे यहां से जा रही है ऑब्जेक्ट से, तो ये जब दोनों रे यहां पर मिलेगी तो यहां पर क्या बनने वाली है आपकी, एक इमेज बनने वाली, किसकी इमेज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, ये जो आपका ऑब्जेक्ट इसकी क्या बनेगी, इमेज, अगर सेकंड सरफेस नहीं होता। लेकिन कहानी इतनी आसान का है, यहां पर हमारे पास क्या, एक सेकंड सरफेस भी है, और अगर सेकंड सरफेस है तो अगेन यहां पर रिफ्रेक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइट रे आपकी कहां से कहां जा रही है, एक डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। तो जब भी लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के अंदर एंटर करेगी, देखो मैं यहां पर इसका नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं ये, तो लाइट रे को जाना कैसा चाहिए था, ये ब्लू वाली लाइन के अकॉर्डिंग, बट लाइट रे आपकी कहां से, डेंसर से रेरर में जा रही है। लाइट रे जब भी डेंसर से रेरर में जाती तो वो क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब इस लाइट रे को जाना ऐसा चाहिए था, बट ये शिफ्ट हो जाएगी, अवे हो जाएगी, नॉर्मल है उससे क्या हो गई, ये अवे। तो ये जो लाइट रे है ये आपको कहां पर मिलने वाली, फाइनली इधर कहीं पर आपको एक पॉइंट के ऊपर ये क्या मिलने वाली है, लाइट रे मिलने वाली। तो आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां पर मिलेगी, इस पॉइंट के ऊपर आपकी क्या मिलने वाली है, फाइनल इमेज बनने वाली। तो ये जो डिस्टेंस है आपका ऑब्जेक्ट का पी वन से, इसको हम बोल देते हैं यू, ठीक है, पी टू से, सॉरी पी वन से जो पहली इमेज, अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता तो इसकी इमेज कहां बननी थी, यहां पर। तो मान लेते हैं कि ये आपका कितना है, वी डैश, कहां से मेजर होगा, ये पी वन से, और ये जो फाइनल इमेज है सेकंड सरफेस की वजह से बन रही, तो इसकी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, आपकी पी टू से। तो ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, वी, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन, ये वाला डायग्राम वाला पार्ट है, डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, डायग्राम अगर आ गए तो हम डेरिवेशन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पर हम लोगों ने इसका डायग्राम देखा पूरा, अभी देखते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। चलिए, तो डायग्राम को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके आप लोगों को बना दिया है, ठीक है, डायग्राम है और मैंने इसमें से जो नॉर्मल थे उसको हटा दिया है। तो आप ऐसा भी बनाओगे एग्जाम में चलेगा, ऑब्जेक्ट से रह गई, सेकंड सर्फेस नहीं होता तो सीधी चली जाती आई डैश पे, सेकंड सर्फेस की वजह से क्या हो गया आपकी शिफ्ट होकर आई पे आ गई। तो ये जो डिस्टेंस आपको अभी है ये वी डैश है, ये यू है। तो जो डिस्टेंस अभी तक हम लोग कहां से पी वन और पी टू से मेजर कर रहे थे उसकी जगह मैं इसको कहां से कर देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से, बिकॉज लेंस क्या आपका बहुत थीन है, तो जो पी वन और पी टू जो पॉइंट है वो क्या है बहुत पास पास है, तो हम उसको क्या ले सकते हैं सिंपली ओ से भी हम उस डिस्टेंस को ले सकते हैं। नाउ हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के अंदर, हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्वेक्स सर्फेस के अंदर कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रेरर मीडियम में रखे और जब लाइट रे पास हो रही है, ठीक है, और एक इमेज बना रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, तो म्यू माइनस वन बाय आर इज इक्वल टू कितना होता था म्यू बाय वी माइनस वन बाय यू, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए वैलिड है, और ऑब्जेक्ट कहां होता था आपका रेरर में। सेकेंड अगर मैं बात करूं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है तो फॉर्मूला क्या होता था म्यू माइनस वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू बाय यू माइनस का वन बाय वी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर जो हमने म्यू लिया था ये म्यू किसका था आपका म्यू ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो यहां पर म्यू क्या होगा आपका म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू एल, मतलब कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। तो इतना सा हम लोग यहां पर करते हैं। नाउ इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इस डेरिवेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं सरफेस नंबर वन की, फॉर सरफेस वन या फिर एक्स पी वन वाई में इसको लिख देता हूं, ये हम लोगों का एक्स था, ये वाई था और ये आपका क्या था पी वन। तो फर्स्ट सर्फेस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, देखिए फर्स्ट सर्फेस के लिए क्या होगा, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है रेरर मीडियम में, और अगर मैं इस सर्फेस को ऐसा एक्सटेंड करूं पूरा, ठीक है, तो ये कौन सा सर्फेस है कॉन्वेक्स सर्फेस है जिसके अंदर लाइट रे क्या कर रही है एंटर कर रही है, और इमेज कैसी बन रही, देखो फर्स्ट की ये लाइट रे गई और इसकी इमेज यहां पर आई डैश बनी। इससे मैटर नहीं करता कि रियल इमेज है या वर्चुअल है, ठीक है, इस फॉर्मूले में ये चीज मैटर नहीं करती कि रियल इमेज है या वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट में डिपेंडेंट है, रेरर में है तो ये फॉर्मूला, डेंसर में तो ये। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहां आपका रेरर मीडियम में, ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा फर्स्ट वाला, क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू माइनस वन अपॉन आर। देखिए फर्स्ट सरफेस का जो आर होगा वो कितना होगा आपका आर वन, ठीक है, पोल से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस आर वन इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी, वी क्या होता था इमेज की लोकेशन। अब अगर ये सेकेंड सरफेस नहीं है, हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, सेकेंड सरफेस नहीं है तो इमेज कहां बन रही आई डैश पर, तो डिस्टेंस क्या होगी यहां पर आपका वी डैश, ठीक है, माइनस वन अपॉन में कितना आएगा आपका u, u क्या होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है ये, डिस्टेंस कितनी है u, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया इसको सिंपली u, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर वन। साइन कन्वेंशन का हमको यहां पर कोई केयर नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी हम लोग साइन कन्वेंशन पुट कर चुके हैं, जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको डिराइव किया था, ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आर वन आर टू को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव देते हैं। नाउ सेकंड सर्फेस की अगर मैं बात करूं, फॉर सर्फेस टू, कौन सा सर्फेस फटाफट बोलो एक्स पी टू वाई, ठीक है, चलिए देखिए एक्स पी टू वाई में क्या हो रहा है, अब देखो इसको ध्यान से समझना, पहले वाले से ऑब्जेक्ट से रे आई, यहां पर उसका रिफ्लेक्शन हुआ, अब ये जो सेकेंड रे है ये जो एंटर कर गई है इसके अंदर, अब सेकेंड सर्फेस के लिए ये जो रे है वो क्या कर रही है डेंसर टू रेरर जा रही है, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है डेंसर मीडियम के अंदर है, लेकिन ये जो रे है ये क्या है कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ऑब्जेक्ट से जो रेज हमेशा निकलती है वो क्या होती है आपकी डाइवर्जेंट होती है, लेकिन यहां पर देखो एक रे कैसी जा रही होगी आपकी ऐसी, और एक रे कैसी आ रही है ऐसी, एक रे ऐसी आ रही है और एक रे कैसी आ रही है इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट कहां पर बहुत बड़ी साइज का इन्फिनिटी पे होगा अगर हम इसको रियल ऑब्जेक्ट माने, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकलती है वो क्या होती है आपकी डाइवर्जेंट। तो ये जो लाइट रेज है ये क्या होगी आपकी यहां आकर कहीं पर मिलेगी, ये इसको एक्सटेंड करा तो यहां आकर मिलेगी, तो हमारा जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा ये आई डैश, आई डैश जो है उस सेकेंड सरफेस के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा, ये जो रे है आपकी, ठीक है, ये कहां मिल रही है यहां पर, तो ये क्या करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो नाउ जब मैं इस फॉर्मूले को यहां पर लगाऊंगा तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया आपका म्यू माइनस वन अपॉन आर, सेकेंड सरफेस का आर है तो यहां पर हो गया आपका आर टू इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई यू। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है u, u क्या होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है आई डैश, तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा आपका v डैश, ठीक है, माइनस वन बाय v
देखो सेकंड सरफेस की जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, यहां पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका वी, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्लियर है आपको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा आई गेस सेकंड सरफेस के लिए। और रेस कहां से आ रही है, देखो डेंसर टू रेरर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, आपका डेंसर मीडियम के अंदर। इसलिए हमने यहां पर क्या करा, सेकंड फॉर्मूला लगाया। नाउ मेरे पास ये दोनों फॉर्मूले आ चुके, मैं क्या कर रहा हूं, देखो फर्स्ट जो है उसमें से सेकंड को माइनस कर रहा हूं, ठीक है, सबस्ट्रैक्ट फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, तो ये देखो क्या हो गया, म्यू माइनस वन बाय आर वन माइनस म्यू माइनस वन बाय आर टू इज इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस वन बाय यू, माइनस साइन लगाया और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू बाय वी डैश माइनस माइनस प्लस वन बाय वी। ठीक, देखो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कैंसिल, ये म्यू बाय वी डैश प्लस का म्यू बाय वी डैश क्या हो गया माइनस का, तो ये टर्म यहाँ पे क्या हो गई आपकी कैंसिल हो गई। तो अब देखिए टर्म्स आपके पास क्या बची है, इसको हटा रहा हूं मैं, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास टर्म क्या बची कि यहां पर मेरे पास बचा है वन बाय, इसमें से कॉमन ले लेता हूं मैं म्यू माइनस वन, तो अंदर क्या बचा वन बाय आर वन माइनस का वन बाय आर टू इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है आपका, एक एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, किसके लिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूले का एक्सप्रेशन आ रहा है। नाउ हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, फोकस के ऊपर रखें, तो उसकी इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पर। या फिर अगर हम उसका उल्टा बात करें, मतलब कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि अगर हमारी जो रेज है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है, तो इसकी इमेज कहां बनने वाली है, ये इमेज कहां बनेगी इसकी, फोकस के ऊपर बनेगी। क्लियर है, तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पर। केस नंबर वन अगर मैं लेता हूं यहां पर कि अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से अगर रे आ रही तो यू मेरा क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है, और वी जो होगा वो क्या होगा आपका एफ, क्योंकि इमेज कहां बनने वाली है, एफ के ऊपर। इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू इज इक्वल टू वन बाय वी, वी की जगह एफ माइनस वन बाय इन्फिनिटी। वन बाय इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो एक्सप्रेशन कितना आया मेरे पास, देखो ध्यान से एक्सप्रेशन कितना आ रहा है यहां पर, म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू इज इक्वल टू वन बाय एफ, ठीक है। तो यही क्या होता है हमारे पास, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ एफ की वैल्यू। अगर आपको एफ किसी ने बोल दिया और बोला कि लेंस डिजाइन करो, तो हम आर वन आर टू की वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे और म्यू सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इजीली लेंस को यहां पर फॉर्म कर सकते हैं। सॉरी, यहां पर क्या होगा आपका, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो, तो देखिए इसका ये साइड इसके इक्वल है, तो यहां से क्या आएगा आपका, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस का वन बाय यू। इसको हम क्या बोलते थे, इसका डेरिवेशन हमने किया है लास्ट कुछ वीडियोज में, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो फटाफट, लेंस फॉर्मूला। तो ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला हुआ, ये हम लोगों के पास क्या हुआ, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर हम लोगों के पास आएगा कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है, वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये जो फॉर्मूला है आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंसेज के लिए क्या होगा, आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर आपका कॉनवेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो यहां पर एफ की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके पास जो लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव, तो एफ क्या होने वाला है आपका यहां पर, नेगेटिव। नाउ आर वन और आर टू की अगर हम लोग बात करें साइन कन्वेंशन की, तो आर वन जो है कॉनवेक्स का वो होगा पॉजिटिव, और कॉनवेक्स का जो आर टू है वो क्या होगा आपका, नेगेटिव। कैसे, देखिए कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका जो फर्स्ट सर्फेस है, मान लेते इधर से ऑब्जेक्ट की रे रखी है, तो ये आपका क्या होगा फर्स्ट सर्फेस, इसका सेंटर कहां बनेगा, उस तरफ, तो ये इसका सेंटर हो गया आर वन, रेडियस कितना हो गया आर वन, और ये कितना हुआ आर टू। अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो रे इधर से आएगी, तो ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, पॉजिटिव एज पर द साइन कन्वेंशन। तो आर वन क्या होगा आपका पॉजिटिव, आर टू क्या होगा नेगेटिव। इसका उल्टा होगा किसके केस में, कॉनकेव के केस में। यहां पर देखिए कि कॉनकेव का फर्स्ट सर्फेस ये है, इसका सेंटर भी इस तरफ है, तो जब रे ऐसी आ रही है और हम इस आर वन को इसे अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो आर वन क्या आने वाला है, नेगेटिव, और आर टू क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो अगर कहीं पर लिखा है कि आपको कॉनकेव मिरर है, तो आपको आर वन को नेगेटिव लेना है और आर टू को क्या लेना है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश, वेयर म्यू डैश इज लेस देन म्यू। जो फोकल लेंथ है आपका
ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंस का म्यू के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो यहाँ पर फोकल लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका म्यू डैश, और म्यू डैश इज लेस देन म्यू, म्यू डैश की वैल्यू क्या है, लेस देन म्यू है, तो आपका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज। देखिए अगर म्यू की जगह मैं इसको रिप्लेस करूं किससे, म्यू डैश से, और म्यू डैश की वैल्यू अगर कम है तो ये ओवरऑल जो फैक्टर है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका म्यू कितना था 2, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 1, कितना बचा 1। लेकिन अगर मैं म्यू की जगह म्यू डैश पुट करूं और म्यू डैश की वैल्यू है मान लीजिए 1.5, तो यहां पर कितना आएगा आपका 0.5। तो ऊपर वाली वैल्यू अगर कम होगी तो एफ क्या होगा आपका, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर म्यू डैश वाले मीडियम में हमने रखा, हमने कैसे मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो क्या है, कम है, तो यहां पर फोकल लेंथ आपकी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि यहां पर ये जो म्यू है ना आपका, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम या सराउंडिंग एयर, और ये जो आपका म्यू डैश है ये भी क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर ये कम होगा तो यहां पर क्या होगा आपका, फोकल लेंथ इंक्रीज होने वाली है, और लेंस जो है आपका वो क्या करेगा, सेम टाइप का बिहेव करेगा। मतलब कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर देखिए ये मीडियम है और ये आपका लेंस है, तो अगर म्यू एन जो है वो ग्रेटर है किससे, म्यू एम से, इसका मतलब क्या है कि लेंस जो है वो आपका डेंसर है और बाहर वाला सराउंडिंग क्या आपका, रहना है। तो उस केस में अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कॉन्वेक्स की तरह ही एक्ट करेगी, ठीक है, और अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव की तरह ही एक्ट करेगी। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या करा कि जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ज्यादा करवा दिया, ठीक है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया ज्यादा और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया कम, तो यहां पर उल्टा होगा, यहां पर क्या होगा, लाइट रे डेंसर टू रेरर एंटर करेगी, और हमने डेरिवेशन के अजम्पशन से किया है कि लाइट रे आपकी रेरर टू डेंसर एंटर कर रही है फर्स्ट टाइम पे। तो यहां पर अगर एक कॉनकेव लेंस को हमने रखा तो कॉनकेव लेंस किसकी तरह बिहेव करेगी, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगी, और अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को हमने ऐसे मीडियम में रखा जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से ज्यादा है तो वो क्या करेगी, कॉनकेव लेंस की तरह यहां पर बिहेव करने वाली। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं एक न्यूमेरिकल की मदद से। चलिए यहाँ पर एक हमको क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, इसको हमको डीप करना है मीडियम ए में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65, देन हमको इसको डीप करना है मीडियम टू में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, और हमको बताना है वेदर इट बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस इन ईच ऑफ द टू मीडियम। हमको ये बताना है कि कौन से मीडियम के अंदर ये कन्वर्जिंग और कौन से में डाइवर्जिंग की तरह एक्ट करने वाली है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मेरे पास लेंस का 1.5, ठीक है। इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो ये लेंस है वो कहां पर था, एयर के अंदर था, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है आपका 1, ठीक है। तो यहां पर जो म्यू है आपका, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम क्या है आपका एयर, तो म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 1.5। या लेंस मेकर्स फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करें तो 1 अपॉन f एयर फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू कितनी है, देखो बताओ फटाफट, f एयर म्यू कितना था 1.5, तो 1.5 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास 0.5 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। 0.5 को मैं 1 बाय 2 लिख सकता हूं, okay, यहां से पॉइंट हटाया 10 हुआ, इसको कैंसिल किया कितना आ रहा है 2, इस 2 को मैं ऊपर ले लेता हूं तो 2 अपॉन में f एयर इज इक्वल टू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी, क्यों, क्योंकि मुझे r1 r2 नहीं दे रहा था। तो चलिए मेरे पास क्या आ गया, r1 r2 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, मतलब कि ये जो रिलेशन है मेरे पास ये आ चुका है, मैं इसको लिख देता हूं इधर साइड में, तो 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इज इक्वल टू कितना होगा 2 अपॉन में f एयर, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं हमारे फर्स्ट केस पे, पहला जो केस है, अगर बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका 1.6, उसने क्या बोला है कि बाहर जो मीडियम है ए मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.65। तो अभी जो हमारा म्यू है, म्यू क्या हो जाएगा, म्यू क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, म्यू एन डिवाइडेड बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग का कितना है आपका म्यू ए, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.65। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, यहां पर जीरो लगा लेता हूं, ठीक है,
तो ये पॉइंट से इसको हटाया तो कितना बचा आपका 150 बाय 165। किससे कैंसिल होगा ये? 15 से कैंसिल होगा क्या? 15 10 जा 150 और 15 11 जा कितना होता है आपका 165। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 10 अपॉन में 11। ठीक है, सेकंड केस के लिए। तो यहां पर जब हम लोग इसको पुट करेंगे, ठीक है, ए बोल देता हूं मैं इसको, एफ ए, क्योंकि ए वाले मीडियम के अंदर हमने इसको रखा है। ठीक है, तो म्यू की जगह क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगी मुझे, बोलो फटाफट। म्यू कितना आ रहा है आपका? 10 बाय 11 माइनस 1, 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। नाउ 1 बाय आर 1 की वैल्यू बताओ कितनी थी? 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 की वैल्यू वो लिख रखी है हम लोगों ने, इसका एलसीएम लिया तो 10 माइनस 11 अपॉन 11 इंटू 2 अपॉन में एफ एयर। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1 बाय एफ ए इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 11 इंटू 2 बाय एफ एयर। ठीक है, एफ ए निकालना है मुझे तो इसका रेसिप्रोकल कर दू क्या? रेसिप्रोकल करने पे क्या हो गया ये, एफ ए इज इक्वल टू, देखो इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये माइनस साइन, 11 नीचे था ऊपर गया, 2 ऊपर था नीचे आ गया, एफ ए आर जो है वो कहां चले जाएगा, इनटू में। तो 11 बाय 2 मतलब कि 5.5 टाइम्स ऑफ एफ ए आर। फोकल लेंथ में देखिए कितना चेंज हुआ, 5.5 टाइम्स से फोकल लेंथ आपकी क्या हो गई यहां पर, इंक्रीज हो गई है। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती, कॉनकेव की। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसको हम एक ऐसे मीडियम में डिप करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है या लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो आपका जो लेंस है वो ऑपोजिट बिहेवियर शो करेगी, जैसा कि यहां पर देख सकते हो आप, ये किसकी तरह बिहेव करने वाली, कॉनकेव की तरह बिहेव करने वाली। और सेकेंड चीज, जो आपका म्यू था हमारा इनिशियली वो कितना आया था आपका 1.5 एयर वाले केस में, और अभी जो म्यू है वो कितना है आपका 10 डिवाइडेड बाय 11, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, 1 से क्या है छोटी है, मतलब 0.9 लिख देता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर देखो कि जब आपका म्यू की वैल्यू कम हुई, ठीक है, म्यू की वैल्यू कम हुई तो यहां पर आपका फोकल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमने वो जो कंडीशन देखी थी ना कि आपका जो म्यू डैश है वो अगर लेस है म्यू से तो आपका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज होती, तो यहां पर क्या हुआ आपका फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ। नाउ अभी जो इसका सेकंड केस है कि अगर हम इस मीडियम को चेंज करें, यहां पर सेकंड केस क्या बोलता है कि अगर हमारा जो मीडियम है वो कौन सा हो जाए, बी वाला, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका 1.33। ठीक है, तो अभी हम लोग म्यू कैलकुलेट कर लेते, जरा देखो फटाफट क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना हो जाएगा आपका 1.50 डिवाइडेड बाय 1.33, इसको कैंसिल करो इधर से। ठीक है, तो 150 बाय कितना आ रहा है आपका 133। इसका कैलकुलेशन तो मुझे देख, चलो इसको ऐसे ही पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, बी वाला जो है अपना उसमें देखते हैं क्या होगा स्पीड से। तो यहां पर देखिए मैं इसको क्या लिख दूं, एफ बी, तो 1 बाय एफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। म्यू की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है आपकी, 150 अपॉन में 133 माइनस 1, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 अपॉन में कितना होगा आपका एफ एयर। तो यहां पर देखिए एफ ऑफ बी, 1 अपॉन एफ ऑफ बी कितना हो रहा है, 1 अपॉन एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 150 माइनस 133 डिवाइडेड बाय 133 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एफ एयर। रेसिप्रोकल कर लो तो ये हो गया आपका एफ बी, 133 ऊपर अपॉन में कितना, 150 में से 133 गया तो कितना हो गया 17 इंटू नीचे वाला जो ऊपर वाला जो 2 है वो नीचे हो गया और एफ एयर जो है वो यहां पर आ गया। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 34, तो एफ बी इज इक्वल टू 133 अपॉन में 34 एफ एयर। तो यहां पर अगर मैं एफ बी की बात करूं तो नियरली कितना आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ एफ एयर, 4 टाइम्स ऑफ एफ एयर। तो इसकी जो वैल्यू है एफ बी की वो इनिशियल फोकल लेंथ के कंपेयर में क्या हुई है, बढ़ गई है, कितनी, लगभग 4 गुना। ठीक है, नाउ साइन क्या है आपका पॉजिटिव, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो ये किसकी तरह बिहेव करने वाला है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह करेगा। यानी देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, बाहर का कितना 1.33, तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उस केस में ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरह ही क्या करेगा, बिहेव करेगा। और साथ में अगर आप म्यू देखोगे अगेन यहां पर, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 150 अपॉन में 133, तो ये जो वैल्यू है ना आपकी ये नियरली इक्वल टू है वो आपका 1.15 के अप्रोक्स उच वैल्यू है। तो अगेन इनिशियल म्यू कितना था 1.5, म्यू डैश कितना है 1.15, म्यू डैश कम हुआ इसलिए फोकल लेंथ क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर।
चलिए तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। बाई कॉन्वेक्स अगर लेंस है, बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड उसका क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो आर वन की वैल्यू अगर आर है और आर टू की वैल्यू कितनी है, माइनस आर। देखिए कॉन्वेक्स है तो आर वन क्या है पॉजिटिव, आर टू क्या है नेगेटिव। तो यहां पर अगर फोकल लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, आर बाय टू म्यू माइनस वन। करके देख लेते हैं, वन बाय एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, म्यू माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। आर वन की जगह मैं आर पुट कर देता हूं, आर टू की जगह मैं माइनस आर पुट कर देता हूं, ये तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस। तो यहां पर देखो कितना हो गया, वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन प्लस वन कितना हो गया टू, टू बाय आर। हमको क्या चाहिए एफ, तो एफ के लिए मैं क्या कर दू, इसको रेसिप्रोकल कर दू क्या, तो ये आर ऊपर आ गया टू नीचे आ गया, म्यू माइनस वन ऊपर था नीचे आ गया। तो देखिए एफ कितना आ रहा है मेरे पास, आर अपॉन में टू म्यू माइनस वन। अब अगर इस म्यू की वैल्यू को मैं 1.5 पुट करूं, तो म्यू अगर 1.5 होगा तो 1.5 माइनस वन कितना हो गया आपका 0.5, 0.5 इंटू टू कितना हो जाएगा आपका 1, तो बचेगा क्या R। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी R, अगर आपका म्यू कितना है 1.5। ये केस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अगर बाहर एयर है और ये ग्लास की बनी हुई है 1.5 की, तो आपको ये यही म्यू यहां पर निकल कर आने वाला है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा आई आर बाई कॉन्वेक्स के लिए, जब म्यू कितना है आपका 1.5, और जनरल फॉर्मूले की बात करना है तो ये सेम है। मैं आप क्या करूंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए निकालूंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स का एक सरफेस प्लेन है तो आर कितना हो गया उसका इन्फाइनाइट, सेकेंड सर्फेस के कॉन्वेक्स है तो आर कितना हो गया माइनस आर, बिकॉज आर टू कितना होता है आपका माइनस आर। ठीक है, यहां पर पुट करोगे तो आर अपॉन में म्यू माइनस वन आएगा, और अगर आप म्यू 1.5 लेते हो तो यहां पर एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2R। सिमिलरली अगर आप यहां पर करते हो बाय कॉनकेव के लिए, तो आर वन इज इक्वल टू माइनस आर, आर टू इज इक्वल टू कितना होगा आर। तो आप जब पुट करोगे तो यहां पर सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो बाय कॉन्वेक्स का आया था सेम है, बट यहां पर क्या आ गया एक नेगेटिव साइन, और यहां पर एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस आर। और सिमिलरली आप देखो प्लेनो कॉन्केव के लिए क्या होगा, ये आप करके देखना, सेम माइनस साइन यहां पर आने वाला है। तो आपको सिर्फ एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, आर वन माइनस आर टू, बस ये अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगा सकते हो तो आपको ये रटने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्टली निकाल लोगे। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव में अपीयर करने जाते हो तो आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो याद होना चाहिए, ताकि आपको फटाफट से आप उसको क्या कर सके, अप्लाई कर सके। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.3 मीटर एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5। तो देखिए यहाँ पर आपको एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ये वाला जो सर्फेस है इसका रेडियस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स है तो उसके लिए एफ कितना होगा आर, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा आर अपॉन में कितना म्यू माइनस वन, और म्यू भी कितना दे रखा आपको 1.5। तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो मैंने बताया था कि एफ इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास 2 इंटू आर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू कितना होता है 2R, जब आपका क्या होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। आप चाहे तो यहाँ पुट कर लीजिए 1.5 माइनस वन कितना होगा 0.5, 0.5 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 2। तो यहां से अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे को कितना दे रखा है 0.3 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 2R, एफ कितना दे रखा है 0.3। तो यहां से देखो आर कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 0.15 मीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए 5 सेकंड का भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मैं समझा रहा था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। अब मान लेते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे, हम करने वाले हैं यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू कितना म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये है क्या आपका लेंस, ही तो है लेंस है ना, तो लेंस है तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए आर वन क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स बोला है तो आपको पता होना चाहिए किसका, ये वाला साइड क्या है इनफाइनाइट होगा आर वन, और इस वाला साइड का जो कॉन्वेक्स वाला है आर टू वो कितना हो जाएगा आपका माइनस का आर। हम मान लेते हैं हमको नहीं पता, हमने लिख दिया आर। एफ कितना दे रखा है आपको 0.3 मीटर में कर लेते हैं सारा कैलकुलेशन, और म्यू कितना दे रखा है आपका 1.5। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पुट करेंगे तो 1/0.3 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, तो 1.5 माइनस वन 1/∞ माइनस माइनस प्लस 1/r। 1/∞ कितना हो गया 0, तो 1/ 0.3 ठीक है इज इक्वल टू 0.5, ये हो गया 0, बचा कितना 1/r, तो अपॉन में कितना आ गया आपका r। हमको क्या कैलकुलेट करना है r, तो इस r का इधर इंटू कर लो, ये हो गया आपका 0.5 इंटू 0.3, तो आंसर कितना आ रहा है आपका देखो 0.15 मीटर। 5 3 कितना हुआ 15।
तो चाहे आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको रिमेंबर कर लेते हो तो आपके लिए 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा यहाँ पर 25 से 30 सेकंड यहाँ पर लगने वाले हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स बोला है, मतलब एक साइड क्या आपका प्लेन, तो आर कितना हो गया इन्फाइनाइट, और कॉन्वेक्स का आर हम लोग मान लें यहाँ पर कितना है आर, तो आर टू था इसलिए हमने क्या लिया नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर आपको जो साइन कन्वेंशन है उसका भी काफी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने साइन कन्वेंशन गलत है तो आपकी जो वैल्यूज है वो क्या होगी, गलत आ सकती है, तो इसको केयर कीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं कि अगर हम लेंस को एक तरफ से सिल्वर कर दे तो यहाँ पर फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर अगर मैं किसी एक लेंस को सिल्वर कर दूं, लेंस के किसी एक साइड को मैं क्या कर दूं सिल्वर कर दूं, तो लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, अभी मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है जो कि आपका नया मिरर बनेगा, उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, 1/f = 1/fm। fm मतलब क्या कि जिस साइड में आपने क्या करा है पॉलिश किया है, ठीक है, जो मिरर है आपका उसका फोकल लेंथ प्लस 2/fl। fl क्या होगा आपका लेंस का फोकल लेंथ। इसको यहां पर समझते हैं हम लोग थोड़ा अच्छे से, यहां पर आपको समझ में आ गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास ये रहा। अब इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को हम दो तरह से पॉलिश कर सकते हैं, या तो हम इधर से पॉलिश कर दे या फिर हम प्लेन वाली सरफेस से पॉलिश करें। तो पहले वाले केस में हमने क्या लिया, कर्व सरफेस को पॉलिश किया। अभी बनेगा कैसे, ये मैंने लिया है कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये लिया एक मिरर, मिरर मतलब पॉलिश, तो ये हमने क्या करा पॉलिश करा। अब देखिए ये जो मिरर है ना आपका, ये जो fm है ये इस मिरर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये fm जो है इसका फोकल लेंथ कितना होता है r/2 हमको पता है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसी कर्व सरफेस के बराबर ही होगा क्योंकि हम इसी पे तो पॉलिश कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया आपका r/2। ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ कितना होगा r/μ-1, प्लेनो कॉन्वेक्स है तो इसका हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब हम लोग इसको दोनों को यहां पर पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमको जो f निकलने वाला है इसका, ठीक है, वो कितना आएगा r/2μ। नाउ अगर मैं इसको दूसरी तरह से पॉलिश करूं, अगर मैं इसके प्लेन सरफेस को पॉलिश करूं, तो अब देखिए fm कितना हो जाएगा आपका, प्लेन सरफेस पॉलिश हो रहा है तो fm कितना हो गया आपका इन्फिनिटी, बिकॉज प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होगा इन्फिनिटी। ये जो है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इसका कितना होता है r/μ-1, यहां भी हमने लिखा था यहां भी सेम होगा, तो कितना हो गया आपका r/2μ-1। जब आप इन दोनों वैल्यू को यहां पुट करके निकालोगे तो कितना आएगा आपका r/2μ-1। नाउ मैं जो है यहां पर इसके लिए कर देता हूं आपको एक कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग कर लेते हैं डेरिवेशन पूरा सा निकाल के, मतलब कि इसमें पुट करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो बाय कॉन्वेक्स अगर लेंस है आपके पास तो देखिए क्या होगा, बाय कॉन्वेक्स लेंस है बाय कॉन्वेक्स, तो अब इसमें चाहे आप इधर पॉलिश करो या इधर पॉलिश करो एक ही बात है, ठीक है। तो ये बाय कॉन्वेक्स लेंस की एक तरफ अगर मैं पॉलिश कर दू, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होगा ना आपका, ये इसका देखो फोकल लेंथ कितना होगा मिरर का r/2, ठीक है, इसका